मसीह खुदावन में आपकी सलामती हो। प्रोग्राम आवाज़ हक के साथ आपका होस्ट हारून यूसुफ और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़नामा। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ पीसी होटल लाहौर में और जहाँ पे एक ख़ास ऐप को लॉन्च किया जा रहा है जेनेसिस मैट्रिमोनी के नाम से, और ये ऐप जो है वो हमारे बेटे बेटियों के रिश्तों का जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, ताकि जो एक तो हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं क्योंकि वो काफ़ी देर से बाहर मुकीम हैं और उनके लिए कई दफ़ा जो बच्चों का रिश्ता है वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन इस ऐप के ज़रिया से अनवर रियाज खान साहब जो हैं जो कि कनाडा से हैं इस ऐप को जो है वो लॉन्च कर रहे हैं ताकि शादियों के प्रॉब्लम को जो है वो हल किया जा सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई बिज़नेस नहीं है और इसको एक खिदमत के तौर पर उन्होंने जो है वो किया है ताकि हम अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो दे सकें जिसके ज़रिए से जो हमारे लड़के लड़कियों के जो शादी के प्रॉब्लम हैं उनको बेहतर तौर पर हल किया जा सके। तो आए नाज़रीन, हम तमाम मेहमानों से बात भी करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस ऐप को किस तौर से लेते हैं और इसके बारे में वो अपने ख्यालात को किस तरह से जो है वो हम तक पहुंचाते हैं। तो आए नाज़रीन, हम बात करते हैं। जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ मौजूद हैं UCH हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब इमरान टाइटर साहब, और उनसे भी हम जानेंगे कि वो इस ऐप को किस तौर से लेते हैं और इसके बारे में वो अपने ख्याल को किस तरह से जो है वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त के मुताबिक ये बहुत बड़ी एक ज़रूरत थी पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे हमारे माशरे में ये काम बड़ी देर से हो रहा है, बट इतना सिस्टमेटिक और आजकल के दौर के मुताबिक जिस तरह इन्होंने आपके सामने अभी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जा रहा है, और मेरी इस मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन हुई तो उन्होंने बताया कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये पूरी दुनिया में कॉन्टेक्ट हो सकेंगे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के इट इज़ वेरी सिक्योर। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि जब हम बच्चियों के हवाले से बातचीत करते हैं या जब हम किसी के दूसरे सिलसिले में लोग रिश्ते वगैरह करवाते हैं तो उसमें बाज़ूकात हमें बहुत से फ्रॉड्स और ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो जब मेरी इनके साथ बात हो रही थी, इन्होंने ब्रीफ़ किया जब ये मेरे पास आए तो उस पर हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, तो उन्होंने बताया कि इस ऐप की जो सबसे खूबसूरत बात होगी ये बहुत सिक्योर होगा और इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई लड़का लड़की बन के बात कर रहा हो या लड़की लड़का बन के बात कर रही हो। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप होगा टूवर्ड्स आर यंग जनरेशन। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। जी सर, आप इस ऐप के बारे में हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे कि ये ऐप जो है वो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकती है? ये हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी तो बहुत बेनिफिशियल है। मैं मुझे याद आ रहा है जब मैंने ऐप के बारे में सुना तो अनवर भाई मेरे पास आए थे पहले मेरे पैरिश में मिलने के लिए, तो एक वक्त था जब हर गांव में हर बस्ती में मैच मेकिंग के लिए कुछ नाई होते थे या मासियाँ होती थी वो मैच करवाती थी ये वो, तो अब जो कि मॉडर्न ज़माना है और जदीद ज़माना है तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है वेरी पॉजिटिव, जिसमें जो हमारे नौजवान बेटे बेटियाँ अपना प्रोफाइल अपलोड करेंगे और मेरा ख्याल में मैच मेकिंग में इनको बहुत आसानी होगी। तो ये बहुत अच्छा काम है और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको खुदा बाप इनको बड़ी बरकत दें और इनके काम को और ज़्यादा फलदार बनाएँ, जिसके वसीले से बहुत से नौजवान जो अभी तक इसी इंतज़ार में है कि कहीं से उनको अच्छा रिश्ता मिल जाए या कहीं से उनको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए राहें खोलने का एक बड़ा अच्छा कदम है। तो मेरी दुआ है कि खुदावन खुदा इनके इस अमल को बड़ी बरकत दे जिसमें वो एक बिब्लिकल काम करने जा रहे हैं, जिससे मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया है यहाँ पर किसी ने किया है कि ये एक तकवीन की किताब में हम पढ़ते हैं बिब्लिकल काम जो इलाही काम है, खुदा ने आदम और हवा को बनाया और बरकत दी कहा कि फलो और बढ़ो ज़मीन को मामूर करो, तो ये उसी काम को आगे बढ़ाने का है क्योंकि इंसान जो है ये अपने मालिक के साथ क्रिएटिव काम में उनका हमकार है। तो मैं अनवर भाई को बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक ऐसे काम को आगे बढ़ा रहे हैं जिसका बाइबल हमें पैगाम देती है और जिसका खुदा ने आगाज़ किया एक तकीन किताब में। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। सर, आप इस ऐप को किस तौर से लेते हैं कि ये हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कितनी बेनिफिशियल होगी? सर देखिए, ये ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी कि यहाँ पाकिस्तान में जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन लड़कियाँ लड़के, उनके को ठीक तरीके से मैच हो नहीं पा रहे थे, इनके जो आप जो अगर कोई लड़की पढ़ गई
रही है तो उसको पढ़ा लिखा उस लेवल का कोई लड़का क्रिश्चियन नहीं मिलता था, अगर कोई लड़का अच्छा पढ़ गया तो उसको कोई लड़की जो है क्रिश्चियन वो अच्छे तरीके से उस तरह नहीं कोई हो रहा था। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी था और ये अनवर खान साहब जो कैनेडा से आए हैं हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे और इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये मसीही कौम के लिए मेरा ख्याल है कि आगे जो फैमिलीज़ बनेगी वो पढ़ी लिखी जो फैमिलीज बनती है जो उसका अच्छे जो मेल मिलाप होते हैं वो आगे मेरा ख्याल है चलेगा। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जी। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। नाजरीन अभी हमारे साथ मौजूद हैं उस जनाब शाहीन मेहदी साहब और हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस ऐप को किस तौर से लेते हैं और इस ऐप के बारे में वो अपने ख्याल को हमारे नाजरीन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ भाई जान का, सारी टीम का और इस मीडिया के ज़रिए से जो उन्होंने काम करना शुरू किया है ये बड़ा बाबरकत होगा क्योंकि रिश्तों में बड़ी मुश्किलात होती हैं तो इनके वसीला से ये आप मोबाइल पे भी दे सकते हैं इनकी ऐप को और अच्छे रिश्ते इनकी वजह से मिल सकते हैं आपको। मेरी दुआ है कि खुदा इनको कामयाब करे और आने वाले वक्त में ये खूबसूरत से खूबसूरत काम करते रहें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर आपका जी। नाज़रीन अभी आपने आए हुए तमाम मेहमानों के जो ख्यालात हैं उनको भी सुना और जो कि जेनेसिस मैट्रिमोनी के हवाले से थी। तो अगर आप इस प्रोग्राम के वसीला से अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद चाहिए तो आप ज़रूर अपने जो ख्यालात हैं अपने जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में डालें ताकि हम आपको और ज़्यादा बेहतर तौर पर इस ऐप के बारे में बता सकें। और अगर आप सोचते हैं कि वाकई ही हमें अपने बेटे और बेटियों के लिए ये ऐप जो है वो उनके रिश्तों के लिए फ़ायदा मंद होगी तो ज़रूर आप इस ऐप को अपने फ़ोन्स पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करें, अपने बच्चों का प्रोफाइल जो है वो इस पर अपलोड करें ताकि आपके बेटों की बेटियों की शादी का मसला हल हो सके। इसी बात के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन तारिक पैरो को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।